कलर्स के बेपनाह में इन दिनों आदित्य जोया की केमिस्ट्री देखने लायक है। दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इसी बीच अब खबर आई है कि शो में बहुत जल्द होगी एक नई एंट्री, जिसके बाद जोया और आदित्य की मोहब्बत की गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। सामने आ रही खबरों की माने तो वो नई एंट्री होगी एक्टर ताहिर शबीर की, जो शो में अरशद नाम के लड़के का किरदार निभाएंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही इस रोल के लिए एक्टर वत्सल सेठ का नाम सामने आया था, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये हैं कि ताहिर को इस रोल के लिए साइन कर लिया गया है। तो अब कैसे ताहिर अरशद बनकर जोया आदित्य की मोहब्बत को नजर लगाएंगे, इसके बारे में बताते हैं आपको। वेल, अगर आपने शो के रीसेंट एपिसोड देखे हैं तो एक बात तो आप जानते ही होंगे कि जोया और आदित्य के बीच अनकहा सा इजहार मोहब्बत हो चुका है। आदित्य अब बस जोया से अपने दिल की बात कहने ही वाला है। लेकिन सूत्रों की माने तो इससे पहले कि आदित्य जोया को शादी के लिए प्रपोज करे, जोया के सामने आ जाएगा अरशद। दरअसल जोया के पिता वसीम अरशद को इंट्रोड्यूस करेंगे और जोया से अरशद के साथ शादी करने को कहेंगे। अब कहा जा रहा है कि अपने पिता की बात मानकर जोया भी अरशद के साथ शादी करने को राजी हो जाएंगी। हालांकि कहा जा रहा है कि अरशद जोया से प्यार तो नहीं करता, बल्कि वो इस शादी के लिए इसलिए हाँ करेगा क्योंकि उसे जोया की कंपनी में इंटरेस्ट है। लेकिन देखना तो ये होगा कि कैसे आदित्य ये शादी रोकेगा। क्या वो जोया से उसकी शादी से पहले अपनी दिल की बात कह देगा? अब इसके बाद जोया क्या करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अब देखते हैं कि ताहिर की ब्लास्टिंग एंट्री शो में क्या धमाल मचाएगी और आगे कैसे शो की कहानी बदलेगी।